छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। एक पत्र से आहत होकर डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने की बात की गई है। निशा बांगरे अग्रवाल ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को पत्र लिखा गया है उनके द्वारा, और इस पत्र के विषय में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि जो प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र आया हुआ था 22 जून 2023 को, उससे आहत होकर वह अपने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे रही हैं। आगे लिखा गया है कि मैं सूचित करना चाहती हूं, मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन शुभारंभ कार्यक्रम में विभाग द्वारा मेरे उपस्थित न होने देने के विषयांतर्गत पत्र में मैं हृदय की गहराई से अत्यधिक आहत हूँ। उक्त कार्यक्रम में विश्व शांति दूत तथागत बुद्ध की अस्थियों के भी दर्शन लाभ करने की अनुमति न देने से मेरी धार्मिक भावनाओं को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि अतः मैं अपने मौलिक अधिकार धार्मिक आस्था एवं संवैधानिक मूल्यों से समझौता करके अपने डिप्टी कलेक्टर के पद पर बने रहना उचित नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं अपने डिप्टी कलेक्टर पद से आज दिनांक 22/6/2023 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूँ। भवदी में उनके अपठनीय हस्ताक्षर हैं और उसके बाद श्रीमती निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है। तो ये इस्तीफा हस्तलिखित उनके द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल को दिया गया है। निशा बांगरे ने अपने सोशल साइट पर एक कविता भी पोस्ट की है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर के द्वारा सोशल साइट पर यह पोस्ट किया गया है। आपको बता दें 3 मई को बुंदेली दर्पण से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बैतूल जिले से आमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सर्वे में उनका नाम आया है और अगर पार्टी उन्हें ऑफर करेगी तो वो उस पर विचार करेंगी। और आखिरकार अब निशा बांगरे अग्रवाल के द्वारा इस्तीफा दिया गया है अपने पद से। सामान्य प्रशासन विभाग को यह इस्तीफा सौंपा गया है उनके द्वारा। आपको बता दें पिछले लगभग 1.5 महीने से निशा बांगरे अग्रवाल छुट्टी पर चल रही थी। छतरपुर जिले के लौकुश नगर में SDM के पद पर पदस्थ थी निशा और पिछले 1 महीने से अधिक समय से वो बैतूल जिले के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति एवं शिक्षा केंद्र के लोकार्पण की तैयारी कर रही थी। और अब उनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। 25 तारीख के अपने कार्यक्रम के बाद वो किस तरीके का कदम उठाती हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा।